पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से सीएम फेस को लेकर सस्पेंस अब जल्द खत्म होने वाला है। पार्टी आलाकमान से बात करने के बाद सीएम फेस को घोषित करने की तारीख 6 फरवरी तय हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की ओर से किए जा रहे सर्वे में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और पार्टी सांसदों की राय ली जा रही है ताकि चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सीएम चेहरे पर किसी भी तरह से झगड़े से बचा जा सके। सूत्रों ने कहा है कि पार्टी आम जनता को ऑटोमेटिक कॉल कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री के लिए पसंदीदा चेहरे की राय ली जा रही है। इसमें दो ऑप्शन चन्नी और सिद्धू के दिए गए हैं। इसके अलावा तीसरे ऑप्शन के नाम पर कोई और है। पार्टी का लक्ष्य अगले 3 से 4 दिनों में लगभग 1.5 करोड़ लोगों की राय लेना है। पार्टी के समन्वयक, प्रखंड अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और सभी उम्मीदवारों से राय लेकर जल्द ही पार्टी को सौंपने के लिए पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते राहुल गांधी पंजाब पहुंच सकते हैं और सीएम चेहरे का ऐलान कर सकते हैं। इसी बीच पार्टी की राज्यसभा और पंजाब के लोकसभा सांसदों से भी संपर्क किया जा रहा है कि वो पार्टी का सीएम चेहरा बनने की दौर में दोनों नेताओं पर प्रतिक्रिया दें। एक नेता ने कहा है कि चन्नी और सिद्धू दोनों को सर्वेक्षण के फैसले को स्वीकार करना होगा क्योंकि वे राहुल गांधी से पहले इसके लिए सहमत हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक अपने शुरुआती रुझानों में चन्नी आगे चल रहे हैं, लेकिन पार्टी पूरे आंकड़े जुटा रही है ताकि सिद्धू की नाराजगी पर काबू किया जा सके। ने भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार के रूप में चुनने की अपनी प्रक्रिया पर आम आदमी पार्टी की खिंचाई की। वहीं कहा कि आपने लोगों से उन्हें अपनी राय देने के लिए कहा है, जबकि कांग्रेस खुद लोगों को उनकी राय पूछ रही है। पिछले कई हफ्तों में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद को पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस अपना वजन चन्नी के पीछे लगाती दिख रही है, जो अनुसूचित जाति समुदाय से है और उन्हें 2 विधानसभा सीटों चमकौर साहिब और भदौर से मैदान में उतारा गया है। SC और ST कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और कुछ अन्य छोटे समूहों के उदय के बाद वे पार्टी से दूर हो गए। कांग्रेस अब पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की जगह चन्नी को चुनकर 80 वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिसमें पंजाब की लगभग 1/3 आबादी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।